नमस्कार, मैं हूं दिव्या बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 सितंबर दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। घर बैठे मंगवा सकते हैं राजस्व मानचित्र की प्रति, ऑनलाइन ऑर्डर करने से मिल रही डोर स्टेप डिलीवरी, जाने किस वेबसाइट से इसका मिलेगा लाभ। राज्य में रेबीज टीकाकरण अभियान शुरू, 28 सितंबर को 110 केंद्रों पर लगेगा मुफ्त टीका, कुत्तों और बिल्लियों को लगाया जाएगा टीका। पंचायत खेल क्लब में भाग लेने का सुनहरा अवसर, 14 अक्टूबर तक पंचायत खेल क्लब में भाग लेने के लिए करें आवेदन, कई खेलों में भाग लेने का मिलेगा मौका। बिहार के मनोज वाजपेयी ने अमीर रोल निभाने को लेकर कही ये बात, फिल्म डायरेक्टर्स को लेकर तोड़ी चुप्पी, यश चोपड़ा और श्याम बेनेगल को लेकर दिया बयान। 5 अक्टूबर को किसानों के खाते में जाएगी 18वीं किस्त, आधिकारिक वेबसाइट से कर सकते हैं चेक, आधिकारिक वेबसाइट से चेक कर सकते हैं खाते का स्टेटस, जाने पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस चेक करने का प्रोसेस। क्या आप पुराने फोन को बेचने का कर रहे प्लान, फोन बेचने से पहले जान लेंगे जरूरी टिप्स, भविष्य में नहीं होगी परेशानी। इंडिया वर्सेज बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज, भारतीय समय अनुसार सुबह 9:30 बजे होगा टॉस, टीवी और मोबाइल पर लाइव देख सकते हैं मैच। चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 733 पदों पर भर्ती निकाली गई है, आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 18 अक्टूबर है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। उम्मीदवारों की आयु सीमा 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। राजस्व मानचित्र की प्रति अब घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए सरकार ऑनलाइन सुविधा दे रही है। इसका लाभ उठाने के लिए आपको dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। यहां डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ रेवेन्यू मैप्स पर क्लिक करना होगा। यहां मैप से संबंधित विवरण और मौजा या वार्ड को चुने, फिर सर्च मैप पर क्लिक करें। चुने गए विकल्प के मुताबिक राजस्व मानचित्र की सूची दिखेगी। यहाँ क्लिक एंड व्यू पर क्लिक कर मैप देख सकते हैं। यहाँ आपको जिस मैप की जितनी प्रति चाहिए उसके सामने टिक के ऑप्शन पर क्लिक करें और ऐड टू कार्ड बटन पर क्लिक करें। अगर आप नक्शा कार्ड में ऐड करना चाहते हैं तो ठीक यही प्रक्रिया दोबारा कर सकते हैं। कार्ड फाइनल होने पर आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करें और अपने डिलीवरी एड्रेस को भरकर चेकआउट पर क्लिक करें, फिर पे नाउ पर क्लिक करके सफलतापूर्वक पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करते ही आपकी रिसीट आपको प्राप्त हो जाएगी। अपने ऑर्डर स्टेटस को देखने के लिए हमारे द्वारा बताए गए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ट्रैक और ऑर्डर के जरिए अपने ऑर्डर का ट्रैक स्टेटस देख सकते हैं। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे किशनगंज के बारे में। ये बिहार का एक जिला है जहां आप खगरा मेला, नेहरू शांति पार्क सहित असफल्लाउल्लाह खान स्टेडियम, चुरली स्टेट और कछुदाह झील का जा सकते हैं। कछुदाह झील पर नए साल के मौके पर कई पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिलता है। ये जगह पिकनिक के लिहाज से बेस्ट स्पॉट हो सकता है। इसके अलावा किशनगंज से पानी घाट, उदय घाट, दार्जिलिंग, गैंगटॉक आदि जगहों पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। राज्य सरकार ने रेबीज की बीमारी से बचाने के लिए एक विशेष अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत 28 सितंबर को राज्य भर में 110 केंद्रों पर कुत्तों और बिल्लियों को निःशुल्क रेबीज रोधी टीका लगाया जाएगा। इस टीकाकरण अभियान के दौरान जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। आप अपने नजदीकी पशु अस्पतालों में जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। खासकर सड़क पर घूमने वाले कुत्तों को भी टीका लगाने का प्रयास किया जाएगा। पशु व मत्स्य संसाधन विभाग ने इस अभियान के लिए 24.55 लाख रुपए का प्रावधान किया है। इंटर वार्षिक परीक्षा 2025 के परीक्षा फॉर्म के लिए और 2024-26 सत्र में 11वीं में नामांकन लेने वालों के लिए पंजीयन जमा करने के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। पहले अंतिम तारीख 25 सितंबर थी, जिसे बढ़ाकर 9 अक्टूबर कर दिया गया है। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि 2023 से 2025 के इंटर के वैसे विद्यार्थी जिनका हस्ताक्षरित डमी सूचीकरण प्रमाण पत्र समिति के पोर्टल पर अपलोड नहीं है, उन्हें 2025 में इंटर वार्षिक परीक्षा देने की अनुमति नहीं मिलेगी। छात्र सीनियर सेकेंडरी डॉट बिहार बोर्ड ऑनलाइन.com वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
बिहार के बेगूसराय जिले के खुदाबंदपुर ब्लॉक में जीविका प्रोजेक्ट द्वारा 1 अक्टूबर को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। ये रोजगार मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मेले में 15 से अधिक प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी। सफल उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। इस मेले में कक्षा 9-8वीं से लेकर ग्रेजुएट पास तक के युवा भाग ले सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार रोजगार विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। रोजगार मेला में भाग लेने के लिए NCS पोर्टल www.ncs.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करें। गाड़ियों के पीछे लगे नंबर प्लेट हर वाहन की पहचान होती है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत किसी भी गाड़ी को बिना पंजीकरण के चलाना कानूनन सही नहीं है। नंबर प्लेट पर राज्य को दर्शाने वाले कोड जैसे DL, UK, BR होते हैं और हर प्लेट यूनिक होते हैं। नंबर प्लेट के रंग भी महत्वपूर्ण है। सफ़ेद प्लेट निजी वाहनों के लिए, पीली कॉमर्शियल उपयोग के लिए और हरी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए होते हैं। VIP नंबर प्लेट विशेष होते हैं और इसके लिए उच्च चुकानी होती है। इसे आम तौर पर अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। लाइसेंस प्लेट के रूप में भी जाने जाने वाली ये प्लेट्स वाहन की कानूनी पहचान सुनिश्चित करते हैं। सभी पंचायतों में खेल क्लब के होने से युवाओं को अपनी प्रतिभा को पहचानने में मदद मिल रही है। पंचायत क्लब में फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, कुश्ती, चेस, कैरम, खो खो, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, सेपक टाकरा, भारतोलन और रग्बी शामिल है। पंचायत खेल क्लब में 14 से 45 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों की ही भागीदारी सुनिश्चित की गई है। स्पोर्ट्स क्लब में आवेदन करने के लिए आप club.biharsports.org पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 अक्टूबर है। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 9263885599 पर संपर्क कर सकते हैं या ईमेल आईडी support@biharsports.org पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार सरकार के खेल विभाग ने सभी पंचायतों में एक पंचायत क्लब खोलने का ऐलान किया था। इस दिशा में काम भी शुरू हो चुका है। इसका उद्देश्य है खेलों को अधिक सुलभ बनाना, युवाओं की भागीदारी बढ़ाना और उचित सहायता प्रदान कर उभरती प्रतिभाओं की पहचान करना। चल रहे जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार ने सर्वे से संबंधित कागजात ढूंढने के लिए जमीन मालिकों को 3 महीने का समय दिया है। अब इसी बीच सभी जिलों के DM से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि 6 प्रकार के जमीन से संबंधित पूरी जानकारी 31 अक्टूबर से पहले बंदोबस्त कार्यालय में जमा करवा दे। ये पत्र सभी जिलों के DM को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने पत्र के जरिए कहा है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत अंचल भूमि सुधार उप समाहर्ता कार्यालय तथा जिला स्तरीय कार्यालय में से जिला सरकारी अन्य प्रकार की भूमि की विवरणी बंदोबस्त कार्यालय में उपलब्ध करवाए। 22 नवंबर को मानसिक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से जुड़े मामले पर पटना हाईकोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इससे जुड़ी सभी संबंधित रिपोर्ट आ चुके हैं। चीफ जस्टिस KV चंद्रन की खंडपीठ द्वारा आकांक्षा मालवी की जनहित याचिका में इसकी जानकारी मिली है। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड की रिपोर्ट याचिकाकर्ता केंद्र और राज्य सरकार को देने का अदालत ने निर्देश दिया था। रिपोर्ट को लेकर अधिवक्ता आकांक्षा मालवीय ने बताया कि कई जिलों से आई रिपोर्ट्स की अभी स्टडी की जाएगी। इस मामले में राज्य सरकार ने काफी कार्रवाई की है। केवल फंड उपलब्ध करवाए जाने के मुद्दे पर कार्रवाई होनी है। बिहार से अपना संबंध रखने वाले मनोज वाजपेयी गैंग्स ऑफ वासेपुर, फैमिली मैन जैसी कई प्रसिद्ध फिल्मों और सीरीज में नजर आ चुके हैं। अब इसी बीच मनोज वाजपेयी ने रिच गाय को लेकर यानी कि अमीर आदमी को लेकर अपना बयान दिया है। उन्होंने डायरेक्टर्स पर तंज कसते हुए कहा है कि हिंदी फिल्मों में दशकों लंबे करियर के दौरान उन्होंने सिर्फ एक बार महाराजा का किरदार निभाया था, वो फिल्म जुबेदा में था। श्याम बेनेगल की सोच को लेकर उन्होंने कहा कि असली महाराज कोई ग्रीक गॉड की तरह नहीं दिखते हैं, वो सभी एक आम इंसान जैसे ही थे। वहीं यश चोपड़ा के फिल्म वीर जारा की रोल को लेकर उन्होंने कहा कि भले ही फिल्म में उनका किरदार काफी छोटा था लेकिन उसमें उन्होंने एक राजनेता का रोल निभाया था। सिर्फ इन दो डायरेक्टर के अलावे मुझे अमीर रोल में कोई डायरेक्टर नहीं सोच सकता था। इंडस्ट्री में ये स्टीरियोटाइप है। भारत सरकार किसानों की सहायता के लिए कई योजनाएं चलाती है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इस योजना के तहत किसानों को हर 4 महीने में 2,000 रुपए की 3 किस्तें मिलती हैं। 18वीं किस्त की तारीख 5 अक्टूबर 2024 निर्धारित की गई है। किसान अपना स्टेटस चेक करने के लिए पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं। वहां नो योर स्टेटस विकल्प पर क्लिक करें। यदि रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करें। रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड भरने के बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करें। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजे गए ओटीपी को भरने के बाद गेट डिटेल पर क्लिक करके आप अपना स्टेटस जान सकते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण सत्र 2023-25 में नामांकित विद्यार्थियों के आवेदन शुल्क की राशि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति प्रशिक्षण संस्थान को वापस करेगी। बोर्ड ने इस संबंध में कहा है कि 2023-25 में नामांकन के लिए समिति द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया था। आवेदन के समय डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में नामांकित विद्यार्थियों से समिति की तरफ से 200 रुपये प्रति विद्यार्थियों की दर से शुल्क लिए गए थे, जिसे अब वापस किया जाएगा। इसके लिए प्रशिक्षण संस्थान बैंक खाते का विवरण समिति कार्यालय को उपलब्ध करवाएंगे। बैंक खाता का विवरण 27 सितंबर से 9 अक्टूबर तक अपलोड करना होगा। कोसी महासेतु के समीप मिड डे सर्विस प्लाजा का निर्माण सुपौल के आसनपुर कुपहा में होने वाला है। पर्यटन विभाग ने इस प्लाजा के निर्माण के लिए 29.53 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। NH-27 पर इस प्लाजा का निर्माण किया जाएगा। इसमें फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, इंडोर खेल सुविधाएं, रिटेल स्टोर, ई चार्जिंग पॉइंट, फ्यूल आउटलेट, जन सुविधा और पार्किंग आदि शामिल है। इसकी जानकारी पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने दी है। पर्यटन मंत्री ने कहा है कि परियोजना के तहत मुख्य भवन का निर्माण होगा। इसमें क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और मनोरंजन क्षेत्र व यात्रियों की सुविधा के लिए कई अत्याधुनिक चीजें उपलब्ध होंगी। कई लोग पुराने फोन बेचकर नए फोन खरीदते हैं, लेकिन पुराना फोन बेचने से पहले कुछ चीजों को करना काफी जरूरी होता है। इसमें सबसे पहले फोन को रिसेट करें ताकि आपका व्यक्तिगत डेटा हट जाए। दूसरा, महत्वपूर्ण फाइलें जैसे फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेना ना भूलें। तीसरा, फोन बेचने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी रखें। बिक्री की तारीख और हस्ताक्षर के साथ एक कागज पर रिकॉर्ड बनाएं ताकि भविष्य में किसी समस्या का सामना ना करना पड़े। अंत में फोन की कीमत का अवलोकन करें। इसके तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्पों की तुलना करें ताकि आपको उचित मूल्य मिल सके। इन बातों का ध्यान रखने से आपको सुरक्षित और लाभदायक बिक्री में मदद मिलेगी। बिहार में एक बार फिर से जमकर बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में अच्छी खासी वर्षा देखने को मिली है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। आज सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, जमुई और बांका में एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 30 से 34 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। वहीं न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री रहने की संभावना है। पूर्व मध्य रेल ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के परिचालन में बदलाव की घोषणा की है। ये ट्रेन रांची और वाराणसी के बीच संचालित होती है और बिहार के गया से होकर गुजरती है। अब से 3 दिसंबर 2024 से ये वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार के बजाय मंगलवार को छोड़कर सप्ताह के अन्य 6 दिनों में चलेगी। साथ ही त्योहारों के मद्देनजर राजगीर और नई दिल्ली के बीच चलने वाली श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन को भी पावापुरी रोड स्टेशन पर 27 से 30 नवंबर तक 1 मिनट का ठहराव दिया जाएगा। बता दें कि गाड़ी संख्या 12391 राजगीर नई दिल्ली श्रमजीवी एक्सप्रेस 27 सितंबर से 30 नवंबर तक पावापुरी रोड पर सुबह 8:20 पर रुकेगी, जबकि वापसी में गाड़ी संख्या 12392 नई दिल्ली राजगीर शाम 9:16 पर रुकेगी। बिहार कैडर के 2 IPS अधिकारियों को अवकाश पर जाने की इजाजत गृह विभाग द्वारा दे दी गई है। जानकारी के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक और अपर महासमादेष्टा गृह रक्षा वाहिनी एम सुनील कुमार नायक 16 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं। ये अवकाश 3 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर तक रहेगा। उनकी अनुपस्थिति में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी और पुलिस उप महानिरीक्षक मृत्युंजय कुमार चौधरी को उनके दैनिक कार्यों का प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा राजीव रंजन एक भी 12 दिनों की छुट्टी पर जा रहे हैं, जो 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि में अपर निदेशक और सहायक राज्य अग्नि सामान पदाधिकारी एक उनके दैनिक कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे।
बिहार में स्मार्ट मीटर की समस्याओं को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ रही है, जिसके चलते आरजेडी ने 1 अक्टूबर से आंदोलन की चेतावनी दी है। राजद ने स्मार्ट मीटर उखाड़ने की बात की है। इस पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी के आरोप को बेतुका बताया है और कहा है कि 2005 में बिजली उत्पादन और उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम थी। उन्होंने ये भी बताया कि स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी की जाँच करेगी, लेकिन इसे लगाना बंद नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अपना आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने कहा है कि स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध जारी रहेगा, विशेषकर जब अधिकांश बिहारियों के पास स्मार्ट फोन नहीं है। कांग्रेस प्रभारी मोहन प्रकाश ने स्मार्ट मीटर को लूट का धंधा बताया है। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में बिहार से परीक्षा देने गए युवकों पर हमला करने वाले रजत भट्टाचार्य को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वो बांग्ला पक्खो नामक कट्टरवादी संगठन का सदस्य है। बिहारी युवकों के साथ मारपीट का ये वीडियो वायरल होने के बाद अब मामला चर्चा में आ चुका है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों का स्वागत किया जाता है, जबकि बिहारी युवकों को पीटा जाता है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और ममता से पूछा कि क्या बिहारियों के लिए परीक्षा देना भी गुनाह है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें हम बागेश्वर बाबा के नाम से भी जानते हैं, वे अब आज बोधगया पहुंचेंगे। खास बात यह कि पितृपक्ष मेले के चलते गया प्रशासन ने सार्वजनिक रूप से कथा सुनाने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए ये पाठ केवल उनके भक्तों के लिए सीमित रहेगा, जो सोशल मीडिया के माध्यम से इसे सुन सकेंगे। श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है और कुछ भक्तों को ही होटल में जाने की अनुमति मिली। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला आज कानपुर में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत भारतीय समयानुसार सुबह 9:30 बजे से होगी। टॉस 9 बजे होगा, लेकिन अगर बारिश हुई तो मैदान गीला रहेगा, तो मैच में देरी हो सकती है। इस सीरीज के टेलीकास्ट राइट्स वॉयकॉम 18 के पास है। यदि आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो आपको स्पोर्ट्स 18 पर ट्यून करना होगा। वहीं मोबाइल पर मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए जियो सिनेमा का विकल्प मौजूद है, और अगर आपके पास स्मार्ट टीवी है तो आप जियो सिनेमा ऐप के जरिए भी आप इस रोमांचक मुकाबले का आनंद ले सकते हैं। भारत और बांग्लादेश के दूसरे मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा, आप अपना जवाब हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1760 में मीर कासिम बंगाल का नवाब बना था। आज के दिन वर्ष 1958 में मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने थे। आज के दिन वर्ष 1998 में इंटरनेट सर्च इंजन गूगल की स्थापना हुई थी। आज के दिन वर्ष 1871 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी विट्ठल भाई पटेल का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1848 में राधानाथ राय का जन्म हुआ था। ये उड़िया भाषा और साहित्य के प्रमुख कवि रहे हैं। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने वाले लोगों को विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जमकर सुनाया है। दरअसल एक यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत आगामी नीलामी से पहले आरसीबी में शामिल हो सकते हैं। यूजर ने दावा करते हुए कहा कि रिपोर्ट से में सामने आया है कि ऋषभ पंत ने आगामी आईपीएल सीजन के लिए आरसीबी फ्रेंचाइजी से संपर्क किया है, लेकिन इनकी मांग को आरसीबी प्रबंधन ने अस्वीकार कर दिया है। अब इस ट्वीट को ऋषभ पंत ने रिट्वीट करते हुए इस दावे को खारिज कर इसे फेक न्यूज बताया है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर इतना फेक न्यूज क्यों फैलाते हो, समझदार बनो दोस्तों, बिना किसी कारण के अविश्वसनीय माहौल ना बनाएं। ये पहली बार नहीं है, ना ही आखिरी बार होगा, लेकिन मुझे ये बताना पड़ा, अपने सोर्स से रीचेक करवाएं। हर दिन के साथ ये बद से बदतर होता जा रहा है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये उन लोगों के लिए है जो गलत खबर फैला रहे हैं। बिहार में प्लेन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हवाई जहाज से यात्रा के किराए में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अगस्त में भी बढ़ोतरी हुई, बावजूद इसके पटना एयरपोर्ट पर 6.2% यात्रियों की संख्या बढ़ी है। पिछले साल अगस्त महीने में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या करीब 2,78,716 थी। वहीं इस बार करीब 2,96,003 यात्रियों ने पटना एयरपोर्ट से अपना सफर पूरा किया है। बढ़ती जनसंख्या के साथ विमानों की आवाजाही में भी वृद्धि हुई है। इसके अलावा हवाई अड्डा की क्षमता में भी वृद्धि होगी। कुछ ही महीने में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक टर्मिनल भवन भी खोला जाएगा, जिससे हवाई अड्डे की वार्षिक क्षमता 30 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो जाएगी।
हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है ये हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में 19वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही उत्तर है विशाखापट्टनम। हाल ही में किसने श्वेत क्रांति 2.0 का शुभारंभ किया है? ऑप्शन ए है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन सी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी अमित शाह। इसका सही उत्तर है अमित शाह। हाल ही में भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर कहाँ एक्टिवेट हो गया है? ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही उत्तर है राजस्थान। निम्न में कौन बिहार विधान परिषद के 2 बार अध्यक्ष रहे हैं? ऑप्शन ए है राम गोविंद, ऑप्शन ए है राम गोविंद सिंह, ऑप्शन बी उमेश्वर प्रसाद सिंह, ऑप्शन सी अरुण कुमार, ऑप्शन डी है डॉक्टर पृथ्वी चंद्र। इसका सही उत्तर है राम गोविंद सिंह। बिहार में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लागू हो चुका है? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन डी है 8, ऑप्शन डी है 9। इसका सही उत्तर है 8। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है जितेंद्र ठाकुर, मुन्ना प्रसाद, आलोक प्रियदर्शी, छोटू राजा, सादुल्ला पालवी, रवि कुमार राम, बाबूलाल मरांडी, नौसाद रजा, संजीव कुमार, मोहम्मद अजमेर, मोहम्मद अरमान, सुमित साहू, रवि मोहन वर्मा, रंजीत मिश्रा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको भारतीय रेलवे के किस ट्रेन में सबसे अच्छी व्यवस्था लगती है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।